निधि नाम की एक हाउस वाइफ है, कॉलोनी में रहती थी, और उनकी कॉलोनी में एक दादी रहती थी जो बिल्कुल अकेली रहती थी। अब दादी के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता था पूरे दिन में, पर निधि बहुत सारे काम करती थी, अपने बच्चे की परवरिश भी करती थी, अपने हस्बैंड को भी देखती थी, पूरे घर को भी देखती थी। एक वक्त वो दोनों गली में थे और गली में निकलता है एक पौधे बेचने वाला। अब दोनों, दादी और निधि, दोनों एक ही जैसा पौधा ले लेते हैं, और पौधा लेने के बाद उनके घर के बाहर में एक क्यारी सी बनी होती है, उस क्यारी के अंदर वो पौधा लगा देते हैं। निधि अपने घर के बाहर लगा देती है, दादी अपने घर के बाहर लगा देती है। अब निधि को थोड़ा सा गार्डनिंग आती होती है, उसे पता होता है कि कितना पानी देना है, कितने पेस्टिसाइड्स देने हैं, कितना उसमें कीटनाशक डालना है, कितनी खाद डालनी है, कब कब पानी देना है, सब कुछ पता होता है। दादी तो ज़्यादा नहीं कर पाती, तो कभी जब वो निकलती हैं सुबह सुबह पूजा के बाद तो पानी डाल देती हैं, कभी नहीं डालती हैं, वो उसे अपने आप उगने देती है। बट जो निधि होती है वो बहुत ध्यान रखती है अपने पौधे का कि वो पौधा बहुत अच्छे से उगे। अब कुछ महीनों के बाद जो निधि का पौधा होता है वो बहुत अच्छे से ब्लॉसम करता है, उसके अंदर से कुछ फूल भी निकलते हैं, पर दादी का पौधा बिल्कुल ओके ओके दिखता, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, ग्रो हो रहा होता है बट उतना अच्छा नहीं जितना निधि का हो रहा होता। अब निधि इस चीज़ पर गर्व महसूस करती है कि मैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ पौधे का, पौधा बहुत अच्छा दिख रहा है, दादी को इतना फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम के बाद होता क्या है, बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि जो निधि का पौधा होता है वो क्यारी से ही बाहर गिर जाता है। जो दादी का पौधा होता है उसको ज्यादा नुकसान नहीं आता, वो थोड़ा सा बस टेढ़ा हो जाता है, उसे हाथ से पकड़ के दोबारा सीधा किया जा सकता है। अब आंधी जब थम जाती है तो निधि जब बाहर आके देखती है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पौधा बिल्कुल बाहर आ गया, उखड़ गया है पूरी तरीके से, और जो दादी का पौधा था वो बस थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ है, उसे सीधा करा जा सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इस पौधे ने अपनी ढंग से जड़ें तक नहीं पकड़ी, बट इस पौधे ने अपनी जड़ें भी पकड़ ली, जबकि इतना अच्छा दिख नहीं रहा था बट ज़्यादा मजबूत था। तो जब डिस्कशन हुई निधि की दादी से, तो निधि ने दादी से पूछा कि आपका पौधा कैसे ये आंधी की हवा की मार झेल गया, और भी पौधे हैं यहाँ पे बट मेरा पौधा तो बाहर ही निकल गया, आपका नहीं निकला, ऐसा क्यों, हमने साथ में ही पौधा लिया था। दादी ने बोला, तुमने अपने पौधे की बहुत केयर करी, सही मायने में ओवर केयर करी, उसे खाद भी दिया, उसे पानी भी दिया, उसको साथ में आपने इंसेक्टिसाइड भी दिए, कीटनाशक भी दिए, सब कुछ दिया तुमने, और उसे इतना दिया कि उसे सब कुछ बैठे बैठे प्रचुर मात्रा में वहीं पे मिल रहा था, तो पेड़ का भी पौधे का भी एक कम्फर्ट जोन बन गया। मैंने सिर्फ उतना दिया जितना उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, जितना ध्यान देना ज़रूरी था बस उतना ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया, और उसने अपने आप झेला उस मार को, उसने अपने आप झेला कि कीड़े उसे खाएंगे तो उसके अंदर खुद में इतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पौधे में नहीं थी, उसने लूज कर दी क्योंकि तुमने ऊपर से दवाई डाली। मैंने पानी नहीं दिया तो उसने जड़ें इतनी मजबूत बना ली कि उसने पानी खुद निकाल लिया, तुमने बैठे बैठे दिन में 3-3 बार पानी दिया। तो होता क्या है, जब हम ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं तब भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, खासकर पेरेंटिंग में। जब हम अपने बच्चे की भी केयर उस पौधे की तरह करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है पौधे की केयर करने में और बच्चे की केयर करने में, हम बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग बन जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं या पौधे होते हैं वो अपनी जड़ें नहीं बना पाते, तो वो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, वो इतने मजबूत नहीं हो पाते जितना इस दुनिया में मजबूत होना ज़रूरी है। अगर हम बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे तो पौधा जंगली बन जाएगा और बच्चा भी बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर उतनी ही केयर करेंगे जितनी ज़रूरी है, उतना ही पैम्पर करेंगे जितना ज़रूरी है, तो बच्चा हमारा बहुत स्ट्रांग बनेगा और उस दुनिया में आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ये एडवाइस ये है कि जैसे हम पौधे की केयर करते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी भी उतनी ही केयर करो जितनी ज़रूरी है, ना ओवर ना बिल्कुल लूज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट में बताइए। अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट ऑल लोग भी इंस्पायर हो पाएं। फाइनली, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए कि हर सुबह आप मोटिवेट हो पाएं एंड और भी लोगों को इंस्पायर कर पाएं इन वीडियोस को शेयर कर करके। अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड बैंक ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स। इस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसे नोट करिए और इस नंबर पर कॉल कीजिए, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, 24 आवर्स हमारी हेल्पलाइन आपके लिए खुली हुई है। एंड इनकी डिटेल्स के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल दैट टाइम यू गो समवेयर।